फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहाँ पे मतलब हमारे इंस्टीट्यूशंस बंद हो रहे हैं, ये बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि टूरिज्म फर्स्ट टूरिज्म खुला है, मतलब टूरिस्ट आते हैं बाहर से यहाँ, मतलब कुछ भी ओमिक्रॉन है बाहर, उनको इसकी परवाह नहीं है कि यहाँ पे फैल जाएगा। यहाँ पे ओमिक्रॉन की एक भी केसेस नहीं है अभी तो। और जो बाकी रेस्टोरेंट्स हैं वो खुले हैं, रेस्टोरेंट्स डालगेट साइड में, अल्कोहल शॉप्स, सो इनकी तरफ ही तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जो फ्यूचर डॉक्टर्स हैं वो तो इन्हीं इंस्टीट्यूशन से आते हैं, वही क्योर करेंगे इन सब के लिए। लेकिन द मेन थिंग इज़ ये पॉइंट आउट करते हैं पहले ही एजुकेशन सिस्टम में, बाकी सब में इन्होंने 25% छूट दी है, जैसे कि रेस्टोरेंट्स वगैरह, जिम सेंटर्स, दे आर ओपन, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बिग डील नहीं है। बट कोचिंग सेंटर्स, जो भी एजुकेशन सिस्टम है, वो कम्प्लीटली शट डाउन है। अगर इतना ही है तो वी वॉन्ट, जैसे कि उनको दिया गया है 25%, एटलीस्ट हमें भी दे कुछ छूट, ताकि हम आगे कंटिन्यू करें, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, एंड एटलीस्ट वी आर वैक्सीनेटेड, आप देख सकते हैं। तो वैक्सीनेशन किस चीज़ के लिए हो रहा है फिर, जब ये सब हम मेंटेन नहीं कर सकते। बाकी सब मतलब टूरिज्म वो ऐसे ही चल, मेन थिंग इज़ टूरिज्म। एंड इफ लॉकडाउन कराना ही है तो वी वॉन्ट कम्प्लीट लॉकडाउन, देन कम्प्लीट शट डाउन करिए, कोई भी चीज़ खुली नहीं रहनी चाहिए। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर एजुकेशन।